उपखंड के गांव लोहासा में होली मिलन सम्मान समारोह में राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटव ने जन सुनवाई। उनके साथ मांडलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने मंत्री भजन लाल जाटव का व मांडल विधानसभा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ का चांदी का मुकुट, हल और हलदर भगवान की स्मृति चिन्ह भेंट कर माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा वैर विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें बनवाई जाएंगी। विकास के कार्य में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गांव लोहासा को नवीन सड़क के द्वारा पंचायत हेडक्वार्टर से जोड़ा जाएगा व लोहासा से सीधा बछेना के लिए भी नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। वहीं 1,29,00,000 रुपए की लागत से गांव लोहासा में नल जल योजना के तहत घर घर में पानी की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री भजन लाल जाटव का ग्रामीणों के द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो 23 फरवरी को बजट पेश किया है, एक बहुत ऐतिहासिक बजट है। उसमें जिस तरीका से बिजली की 50 यूनिट फ्री किए हैं और 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट है, और खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे 2004 वाले जिनको पेंशन नहीं थी उनकी, उस तरीका से जैसे पेंशन लागू की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत अच्छा माहौल पूरे राजस्थान के अंदर है। किसानों के लिए अलग से 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण, कृषक कल्याण कोष का उसकी घोषणा की गई है। और सबसे अहम योजना स्वास्थ्य के अंदर 5,00,000 रुपये का जो बीमा होता था उसको 10,00,000 रुपये कर दिया। और कई बार जो आकस्मिक मौत हो जाती है, जो एक्सीडेंटल केस और इस टाइप के जो सहायता राशि थी उसको भी 2,00,000 से बढ़ा के 5,00,000 रुपये कर दिया। तो ये जो फैसले हुए हैं एक ऐतिहासिक फैसले हैं। गरीब को गणेश मानकर ये बजट आया है और पूरे राजस्थान में एक जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है। ऐसा माहौल, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर है। और आज भाई विवेक भाई हमारे जो XMLA मॉडल पढ़ा रहे हैं, इन्होंने यहाँ के आगे शिरकत करी है। तमाम यहाँ की द्वासी की सरदारी, तमाम यहाँ के प्रतिनिधित्व व्यक्ति यहाँ पर विराजमान है। इन सब लोगों में एक कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत ही उत्साह का माहौल है। धन्यवाद सर। R9 भारत के लिए लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, भरतपुर से।